Hello everyone, so today we are going to start another new chapter, elements, compound and mixture. As we already know the definition of matter, तो हम लोग start करते हैं matter की definition से. So matter, any substance which has mass and occupy space is called matter. So matter को जब हम लोग classify करते हैं, we classify matter into two part. First one is pure substance, second one is impure substance. Pure substance बोलने का मतलब है कि जब प्योर सब्सटेंस में जो एटम्स रहेगा कंबाइन करके, चाहे वो एलिमेंट बनाए चाहे कंपाउंड बनाए, उसमें वो एक फिक्स रेशियो के हिसाब से कंबाइन करेगा. मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली आए, यहां से हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन मिल गया और कुछ भी बन गया, ऐसा नहीं. वो एक फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन करेगा, तो इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, रैंडमली दो एलिमेंट यहां से आ गया, पांच यहां से आ गया, दस यहां से आ गया और ये एक कोई एक मिक्सचर बना लिया, कोई एक सब्सटेंस बना लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. चलिए, तो अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाई की है, फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड में. जब एटम्स अपना ही एटम के साथ कंबाइन, मतलब सिमिलर एटम के साथ कंबाइन करता है, तो जो बनता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. और अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, जो हम लोग मैटर एंड इट्स कंपोजिशन में डिटेल में पढ़े हैं. अच्छा, अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस जो क्लासिफाई होता है वो मिक्सचर होता है. इम्प्योर सब्सटेंस में पहला जो कैटेगरी आ रहा है आपका मिक्सचर का आ गया, क्योंकि मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, उसमें रैंडमली कलेक्ट होता है, उस वजह से हम लोग मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. चलिए, ये चीज समझ में आ गया. अब मिक्सचर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको अब हम लोग पूरे एलिमेंट को, कंपाउंड को और ये पूरा मिक्सचर को वन बाई वन देखते हैं क्या होता है. तो अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट आर द सब्सटेंस व्हिच कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. मतलब एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग फर्दर और स्मॉलेस्ट पार्ट में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड को आप ब्रेक करिएगा तो उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन भी होगा ना वो भी गोल्ड होगा. एल्युमिनियम ले लीजिए, इसको ब्रेक करिएगा तो उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन भी होगा ना वो भी एल्युमिनियम ही होगा. तो इसको हम लोग फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते. पहला डिफिनेशन आपका ये रहा आपको एलिमेंट का. इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट आप लर्न करोगे, पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में भी लिखना. अच्छा, ये हो गया, इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और मे नॉट. तो हम लोग देखिएगा, आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब एलिमेंट है और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है. चलिए, ये दूसरा पॉइंट था. अब तीसरा पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं, एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल. एलिमेंट को हम लोग क्या है, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चलिए, जैसे आपका जा रहा है Au हो गया, Ag हो गया, Al हो गया, Fe आयरन के लिए ले सकते हैं, Cu कॉपर के लिए ले सकते हैं. तो ये सारा कुछ क्या था, आपका एलिमेंट था और एलिमेंट का पॉइंट्स था. तो आपको एलिमेंट को पॉइंट्स में तीन पॉइंट याद रखना है, एलिमेंट कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल से क्लास 7 के लिए बहुत एनफ है. एलिमेंट्स का डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टी देखने के बाद अब हम लोग कंपाउंड का डिफिनेशंस देखते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या है. तो सबसे पहले डिफिनेशंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. टू और मोर एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में जब कंबाइन करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं. चलिए, फिक्स रेशियो याद रखिएगा, फिक्स रेशियो में जब कंबाइन करेगा तभी कंपाउंड बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, सो देखिए H2O, जब हम लोग वाटर बनाते हैं तो देखिए इसमें हाइड्रोजन का, अगर यहां पे आप रेशियो देखिएगा तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तभी वाटर बनेगा. तो यहां पे एक फिक्स रेशियो हो गया. अगर और फर्दर देखना चाहते हैं तो देखिए NH3, देखिए यहां पे N:H कितना है, 1:3 है. देखिए वहां 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 आपका क्या आ रहा है, आपको हाइड्रोजन एटम कंबाइन करता है. तो कंपाउंड का फॉर्म करता है, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन करता है इन अ फिक्स रेशियो, तो वो जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं. तो ये था डेफिनेशंस विद सर्टेन एग्जांपल्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड क्या होता है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक में देखिएगा, कंपाउंड इज ऑलवेज ए होमोजीनियस. अच्छा, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि आपका थ्रू आउट द कंपाउंड द कंपोजिशंस और द कंपोजिशन ऑफ मैटर्स आर सेम. मतलब बोलने का मतलब है, अगर एग्जांपल्स लेते हैं यहां पे
सपोज कर लीजिए वाटर देख लीजिए, वाटर का पता चल गया हमको कंपाउंड है, तो आप इस पूरे वाटर में से कोई भी एक ड्रॉप को निकालिएगा तो वो सिंगल ड्रॉप में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा ना वो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द कंपाउंड द कंपोजिशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फिक्स रेशियो। तो पहला प्रॉपर्टी के द कंपाउंड इज ऑलवेज ए होमोजेनियस मिक्सचर, आई होप सो ये क्लियर हो गया। नाउ दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपोजिशन। बोलने का मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए यहां पे अगर H2 है, एक ही एग्जांपल से हम लोग पूरा चीज को समझ जाएंगे। नाउ H2O देखिए, हाइड्रोजन का एक आपका एक खुद का प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का एक अलग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जब ये कंबाइन कर लेते हैं केमिकली और फॉर्म कर जाता है कंपाउंड, तो इसका प्रॉपर्टी इसके कंपोजिशन इसके कंस्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब जो कंपाउंड बनता है उसका प्रॉपर्टी वो जिस कंपोजिशन जिस एलिमेंट से मिलकर बना है उसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट रहता है। ये था सेकंड पॉइंट। चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म, जब कभी भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो क्या करता है, एनर्जी इज यूजली गिवन ऑफ, चाहे तो एनर्जी रिलीज होगा चाहे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अच्छा सर, एनर्जी जब रिलीज होता है तो हम लोग इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जब एनर्जी आपको नीडेड होता है मतलब एब्जॉर्ब होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपका एंडोथर्मिक बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा तो ये रिलीज होता है किस फॉर्म में रिलीज होता है, तो ये जो रिलीज होता है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट लगता है, लाइट में रिलीज होता है। अच्छा, जब एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्ब होता है मतलब इन दिस केस आपको एक्स्ट्रा हीट देना होगा। बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए आपको उसका टेम्परेचर को 100 डिग्री 1000 डिग्री ऐसा कुछ मेंटेन करना पड़ता है, तो उस वक्त एनर्जी नीडेड होता है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग सीखे कि कभी भी कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो क्या करता है, चाहे तो एनर्जी रिलीज करता है चाहे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब रिलीज करता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जब एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। अच्छा, रिलीज करता है तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है, चाहे तो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी बहुत सारे इसमें रिलीज होगा आपको दिखेगा। अच्छा, अब्सॉर्ब होता है तो आपको हीट एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होकर वाटर बनाता है तो इस केस में एनर्जी जो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट आपको रिलीज होता है। चलिए, ये था आपका थर्ड पॉइंट। अच्छा, लास्ट पॉइंट अब जो देखेंगे, ये आप इसी तरह से एकदम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड को अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इससे ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोजिशन और द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड बाय फिजिकल मीन। सो आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टी से या ऑर्डिनरी केमिकल प्रॉपर्टी से आपका कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स अगर ले आपका वाटर है, आप यहां पे कोई फिजिकल मीन्स लगा के यहां से हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज लगा के केमिकल मीन्स लगा के हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लगा के आपको कंपोजिशंस ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड है उसको सेपरेट करना क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आपको इसी तरह से डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड को लिखना है। अब हम लोग मिक्सर के बारे में और उसका कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। सबसे पहला डिफिनेशंस क्या होता है मिक्सर का, तो मिक्सर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में इस तरह से मिलेगा कि पूरा इन्वॉल्वमेंट जो होगा उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा। तो क्या हो गया डिफिनेशन है, मिक्सर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस चाहे तो एलिमेंट हो सकता है चाहे तो कंपाउंड हो सकता है या एलिमेंट कंपाउंड दोनों हो सकता है। तो अ मिक्सर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन such that they don't undergoes any chemical changes, मतलब दो और दो से ज़्यादा element compound या element compound इस तरह से मिले कि इसमें कोई chemical changes नहीं होगा और कोई भी any ratio में combine करेगा तो वो जो substance बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, mixture बोलते हैं। For examples ले लीजिए, देखिए ये जो air है, air में देखिए आपका nitrogen भी है oxygen भी है carbon dioxide भी है carbon monoxide भी है। अच्छा बोलिएगा सर इसमें तो fixed ratio है। अच्छा फिक्स रेशियो हो सकता है कि आपका कोलकाता में जो एयर का कंपोजिशन है दिल्ली में कुछ और हो, मुंबई में कुछ और हो, आउटसाइड इंडिया कुछ और हो,
तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशंस वेरी कर रहा है और एक इन्हीं रेशियो से कंबाइन करके रखा है, इस वजह से हम लोग एयर को क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, मडी वाटर हो गया, मिल्क हो गया, हनी हो गया, ये सारा एग्जांपल्स किसका है, मिक्सर का आता है। तो ये था डेफिनेशंस ऑफ मिक्सचर्स। अच्छा, डेफिनेशंस को जानने के बाद कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम लोग कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन किए थे, वैसे ही हम लोग मिक्सर का कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन करेंगे। तो कंसिस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं, कंस्टिट्यूएंट और इन ए मिक्सर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। तो डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है, जो उसका कंपोजिशन से वो कोई भी रेशियोस में होते, कोई एनी रेशियो से कंबाइंड हो सकता है, ठीक है, तो वो मिक्सर फॉर्म करेगा। सपोज कर लीजिए अगर हम लोग सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सर बनाते हैं, तो अगर एक स्पून ऑफ सॉल्ट दे रहे हैं तो वो भी मिक्सर होगा, फाइव स्पून ऑफ सॉल्ट दे रहे हैं एंड वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो वो भी मिक्सर होगा। तो कंपोजिशन इन्हीं रेशियो में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, पहला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया सर। दूसरा पॉइंट, मिक्सर डज नॉट have any specific property। अच्छा, जो मिक्सर बनता है ना उसका खुद का कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होता है, उसमें जो कंपोजिशन होते हैं ना उसका अलग अलग प्रॉपर्टी शो होता है। जैसे कंपाउंड के केस में था, उसका खुद का प्रॉपर्टी था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें को मिलकर कंपाउंड बन रहे थे वो अपना प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा था। हम लोग आगे देखें तो इसमें देखिएगा, मिक्सर का कोई खुद का प्रॉपर्टी नहीं होता है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं या जो कंपोजिशंस रहते हैं वो अपना अपना प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बेस्ट एग्जांपल देखना है, आप एयर देख लीजिए, एयर में आपको नाइट्रोजन अपना एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक अलग अपना प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये एयर का तो कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। इसके बाद आते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंजेस और एनर्जी। तो मतलब जो आपका पूरा कंपाउंड में, जैसे हम लोग पढ़े थे कि उसमें एक केमिकल चेंजेस होता है ना, एनर्जी इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है, ये आपका थर्ड पॉइंट था। चलिए, इसको हम लोग देख लिया। अच्छा, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मीन। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिशंस जो है उसको मिक्सर का, उसको हम लोग फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखना है, देखिए आयरन हो गया, आयरन का आपको फाइन पार्टिकल्स है और उसको डस्ट में मिला दीजिए, चलिए मिक्सर बन गया, कोई भी एक रेशियो में मिलाइए। नाउ मैग्नेट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आयरन को निकाल सकते हैं। तो आप कैसे मैग्नेट के जरिए आयरन को निकाल रहे हैं, तो मिक्सर को सेपरेट कर पा रहे हैं एक फिजिकल मीन से। तो क्या हो गया, कंपोजिशन और कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो आपको लिखना है, मिक्सर डज नॉट हैव एनी फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस इसका, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी शो ऑफ कर रहा है, यहाँ पे कुछ और कंपोजिशंस है, तो इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सॉल्ट वाटर लेते हैं, तो आप एक स्पून ऑफ सॉल्ट डालिए और उसके बाद एक ग्लास में उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा, कुछ और होगा। अगर उसमें 10 टी स्पून ऑफ सॉल्ट डालिएगा तो उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट और होगा, लेकिन वो दोनों तो मिक्सर ही है ना, सॉल्ट एंड वाटर का, तो इसका कोई फिक्स प्रॉपर्टी मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सर।